फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एजुकेशन आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीएम किसान स्कीम 2020 के बारे में जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया और राज्य के सभी किसानों को तोहफा दे दिया है क्योंकि अभी राज्य के प्रत्येक किसान को छह हजार रूपए के अलावा चार हजार रूपया मिलेगा यानी हर किसान को प्रति साल दस हजार रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी तो अभी हम आपको बताएंगे की ये फायदा किन किसानों को मिलेगा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा और आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस आप इस इस वीडियो वीडियो को को शुरू से लेकर अंत तक देखिए लेकिन उससे पहले लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की किसान योजना के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए अभी हम जानते हैं मुख्यमंत्री किसान योजना 2020 के बारे में पूरी जानकारी और आपको बताते हैं कि आपको हर साल दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे आपके खातों में कैसे मिलेगी तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री ने किसानों का कल्याण करने के लिए और भला करने के लिए यहां पर बहुत ही बड़ी घोषणा की है और सभी किसानों को तोहफा दे दिया है जहां पर उपचुनाव के मौसम में किसानों को राहत दी और लुभाने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जहाँ किसानों को मिलेंगे दस हजार सालाना यानी हर साल हर किसान को दस हजार की आर्थिक सहायता सीधे उनके दी जाएगी और जानिए कि वरदान यहाँ पर किसानों के लिए ये योजना बनेगी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पर केन्द्र पचीस दो हजार बीस ऐसी किसान कल्याण निधि की राशि भी किसानों के खातों में जानी शुरू हो चुकी और पच्चीस सितंबर दो से आप सभी के लिए आवेदन शुरू हो चुकी और इसके तहत यहाँ पर किसानों के खातों में दो हजार रूपए की पहली किस्त जाना शुरू हो चुका है यानी दो दो हजार रुपए की दो किस्तों में आप सभी के खातों में चार हजार रुपया आएगा हर साल और में पीएम किसान सम्मान निधि के पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत किसानों को दो हजार की दो किस्त में हर साल चार हजार रूपए दिए जाएंगे सभी किसानों को पीएम किसान के तहत सालाना छह हजार रूपए का लाभ भी मिलता रहेगा यानी हर किसान को जो है हर साल दस हजार रूपए की आर्थिक सहायता टोटल मिलेगी और इस सब प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के तहत दो हजार रुपए की पाले किस्त आज से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है और इसका फायदा प्रदेश के सभी किसानों को मिलेगा और बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के सतर लाख किसानों को हर साल तीन किस्तों में दो हजार रुपए की किस्तें मिलती है और यहाँ पर छह हजार रुपए का लाभ पाले से मिल रहा है और अब किसानों को दस हजार रुपया प्रति साल मिलेगा जहाँ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में चार हजार रूपए और पीएम किसान सम्मान निधि में छह हजार के बाद किसानों किसानों को मध्य प्रदेश राज्य में मिलने वाला कुल लाभ बढ़कर रुपए हो जाएगा और छोटे किसानों के लिए यह योजना किस वरदान से कम नहीं है और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ होगा अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया की जहां मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तथा जिन किसानों को लाभ मिलेगा उनके बारे में जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज होगी यानी यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा ले रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का, का फायदा मिलेगा और प्रधानमंत्री किसान किसान सम्मान निधि के सभी नियम जो है मुख्यमंत्री कल्याण योजना पर लागू होंगे और सत्र के पटवारी किसानों के बारे में पूरी जानकारी का वेरिफिकेशन करेंगे और किसानों को सिर्फ एक बार सत्र के पटवारी को भौतिक रूप से आवेदन देना होगा और आगे की प्रक्रिया मोबाइल पर ही हो जाएगी और किसानों को रकम प्राप्त होने की सूचना भी उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी और इस प्रकार से आप हर साल छह हजार रूपए की बजाय दस हजार रुपए की आर्थिक उठा पाएंगे यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो तो दोस्तों इस सब प्रकार से यह संपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री किसान योजना 2020 को लेकर निकल के सामने आई है जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया और किसानों के लिए अपने खजाने का पिटारा खोला है तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और आगे भी इसी इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम